पता है, चल जितना बताएगा उतना में कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, वरना ही बता देती। बोलो क्या बताया था सर? याद आ गया था इतने में कोई डाउट नहीं? क्या बोल रहे हो बताएं, पास्ता फ्राई पाउडर कैसे बना? चल तो हमने बताया था, आज आप बताएं, बताइए कैसे बनाते हैं। हाँ बोल दीजिए, हम बना देते। बताए इतने टूल्स में किसी को डाउट है? कर लेंगे इतना? हाँ या ना तो बोल दो, तो हमारी बता दो। इसके बाद आपका नेक्स्ट टूल रहता है यहाँ से ब्लड टूल। हाँ आ जाए, इसके लिए आप यहाँ पे कोई भी पिक्चर ओपन करते हैं, आप फाइल मेन्यू पे जाएंगे, ओपन पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे पिक्चर ओपन कर लेंगे। आपकी पिक्चर आपको जिस पीसी में, एफ ड्राइव में है, आप एफ ड्राइव ओपन करेंगे, एफ ड्राइव में वॉलपेपर नाम का फोल्डर, ये आप इसमें यहाँ पे पिक्चर सिलेक्ट करना और ओपन पे क्लिक कर देना, पिक्चर यहाँ पे ओपन हो जाएगी। कौन सी पिक्चर ओपन? पिक्चर तो आपकी सब ओपन हो जाती है यहाँ। ओपन सही होती है पिक्चर तो यहाँ पे, पिक्चर का फॉर्मेट चेंज होगा ऐसे नहीं हो रही। कोई कोई पिक्चर ऐसी रहती है जिसका फॉर्मेट चेंज रहता है तो वो यहाँ पे ओपन नहीं होती। जैसे कि आप देखिए, नॉर्मल अगर आपके पास किसी ने तो इमेज आपको व्हाट्सएप से सेंड की है, आप उसे डाउनलोड करके डायरेक्ट फोटोशॉप में ओपन करना, तो बहुत कम ऐसी पिक्चर रहती है जो व्हाट्सएप से आई और आपकी डायरेक्ट ओपन हो जाए, नहीं होती। हाँ पहले आप उसको नॉर्मल उसमें पिक्चर मैनेजर में ओपन करना, फिर आप उसको फोटोशॉप में ओपन करना, तो वो हो जाएगी। पहले आपके पास जो भी पिक्चर है आप उसे डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। अब अपन अभी चलते हैं एफ ड्राइव में, आपके वॉलपेपर नाम के फोल्डर में जो भी आपकी इमेज है, पहले आप उस पर राइट क्लिक करना, आप ओपन विथ पे माउस पॉइंटर ले जाना, आप इसको यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 है इस पर क्लिक करना, तो ये पिक्चर आपकी पिक्चर मैनेजर में ओपन हो जाएगी। फिर आप इसको यहाँ से कंट्रोल एस से एक बार सेव कर देना। अब आप इसको क्लोज करके इसी इमेज से जब आप फोटोशॉप में ओपन करेंगे तो वो ओपन हो जाएगी। इस टाइप से अभी अपन ने यहाँ पे एक पिक्चर ओपन कर ली। अब आपको इसमें सबसे फर्स्ट टूल रहता है ब्लर टूल। ब्लर टूल से आप किसी भी पिक्चर वगैरह को, अगर आपको ब्लर करना है, आप यहाँ से इस टूल का यूज कर लेते हैं। ऐसी पिक्चर ले लेते हैं जिसमें आपको समझ में आ जाए। अब आप यहाँ से ब्लर टूल सिलेक्ट करेंगे, आपको ये पिक्चर ब्लर करना है तो आप यहाँ से इस टूल से यूज करना, ये जो आपकी पिक्चर रहेगी वो यहाँ पे ब्लर हो जाएगी। अभी आपको प्लस का साइन हो रहा है, ये आपका सर्कल रहता है, आप इसका साइज बड़ा और छोटा कर लेना। आपको इसका साइज बड़ा करना है तो क्लोज कर्ली ब्रैकेट से इसका साइज बड़ा हो जाएगा और ओपन वाले से छोटा। आप इसका साइज बड़ा करना, अभी देखिए इसका साइज कितना हो गया, 700। अब आप इस पिक्चर को ब्लर करना, आपकी पिक्चर बहुत जल्दी यहाँ से ब्लर हो जाएगी, देखिए पूरा फेस ब्लर हो गया यहाँ। अगर आपको ज्यादा पिक्चर, आप सब तो पता पिक्चर आपको भी ज्यादा ब्लर नहीं करते, इसका साइज आप यहाँ से नॉर्मल रखना जितना आपको पिक्चर ब्लर करनी है, फिर उससे थोड़ी आप पिक्चर तो यहाँ से ब्लर कर लेना तो वो पिक्चर आपकी यहाँ से ब्लर हो जाएगी। आपको बैकग्राउंड ब्लर करना है, पिक्चर को ब्लर करना है, तो यहाँ से आप ब्लर टूल इसमें सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट रहता है यहाँ पे शार्पन टूल। शार्पन टूल से आप यूज करते हैं, पहले इसको यहाँ से हिस्ट्री टूल से नॉर्मल कर दो। शार्पन टूल का आप यूज करते हैं पिक्चर को शार्प करने के लिए, आपको कोई भी पिक्चर वगैरह शार्प करना तब आप यहाँ से इसका यूज करते हैं। अभी आप देखें इसका साइज नॉर्मल यहाँ से 147 है, अभी आप इसमें अप्लाई करेंगे तो ये पिक्चर शार्प हो जाएगी। अगर आप इसका साइज ज्यादा बड़ा कर देते हैं फिर आप इस पिक्चर से यहाँ से शार्प करेंगे तो देखिए पिक्चर यहाँ पे खराब होने लगी, हो रही जैसे पिक्चर आपकी खराब हो गई। शार्प टूल से आप यूज करते हैं नॉर्मल साइज में, अगर आपको कोई भी पिक्चर वगैरह शार्प करनी हो। ब्लर टूल तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको कितना ब्लर करना है, आप उसका साइज बड़ा और छोटा कर सकते हैं।
लेकिन जब आप पिक्चर साफ करते हैं उसका साइज आप नॉर्मल छोटा ही रखते हैं, क्योंकि अगर आप उसको ज्यादा एक ही जगह पे ज्यादा अप्लाई कर देंगे तो वो पिक्चर आपकी खराब होने लगती है, जैसे पूरी पिक्चर आपकी खराब हो गई। इसमें फिर थर्ड ऑप्शन रहता है स्मार्ट टूल। स्मार्ट टूल से आप यूज करते हैं नॉर्मल जो बाल वगैरह रहते हैं, आपको कुछ भी लंबा झड़ना हो, जैसे कि अभी इसमें हेयर वगैरह आपको इसे बड़ा करना है, तो आप यहाँ से स्मार्ट टूल से यूज कर लेते हैं, इस टाइप से वो यहाँ पे चेंज हो जाएंगे। और इस तरह आप यूज करते हैं नॉर्मल से नेचर वगैरह की इमेज रहती है, ओपन कर लेते हैं यहाँ। जैसे कि आपने इसी इमेज को यहाँ से कॉपी किया, आप इसे यहाँ से फोटोशॉप में ले जाना। अब आपको ये बना, आपको इसको इस टाइप से पूरे में ड्रैग करना है, तो आप यहाँ से स्मार्ट टूल से यूज कर लेते हैं किसी भी पिक्चर वगैरह में फॉर्मेटिंग करने के लिए। नेचर वगैरह की इमेज में जब आप अप्लाई करते हैं इसी टाइप से आपको ग्रास वगैरह कुछ रहती है जिसमें आप अप्लाई करते हैं, और किसी पिक्चर में अप्लाई करते हैं उसमें आप इस टूल से अप्लाई करते हैं हेयर वगैरह के लिए, जो हेयर वगैरह बाल वगैरह रहते हैं उनको आपको किस टाइप से यहाँ पे सेट करना है, तब आप यहाँ से, हाँ लंबे हो जाते हैं, तब आप यहाँ से स्मार्ट टूल से यूज कर लेते हैं। अब इतने में कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, सर नहीं है इतने में किसी को डाउट नहीं। फिर इसके बाद ही इसमें आपका नेक्स्ट टूल रहता है डॉट टूल, इसका आप यूज करते हैं किसी भी पिक्चर को, इसको पहले क्लोज कर देते हैं। आप यहाँ से येलो टूल सेलेक्ट हैं डोंट टूल, इससे आप यूज करते हैं किसी भी पिक्चर को, आपको नॉर्मल उसका कलर फेयर करना होता है, वाइट करनी होती है, तब आप यहाँ से इस टूल से यूज कर लेते हैं, इससे जो कलर रहेगा वो फेयर हो जाता है। नॉर्मल आपको किसी भी इमेज का कलर फेयर करना हो तब आप इस वाले टूल से यहाँ से यूज कर लेते हैं, और अगर आपको उसका कलर नॉर्मल जो सांवला टाइप का रहता है ब्लैक करना, तब आप इसके बाद वाला रहता है बर्न टूल, इसे सिलेक्ट करेंगे, इससे जो पिक्चर का कलर रहेगा वो नॉर्मल इस टाइप से ब्लैक हो जाएगा। अब आपको किसी, ज्यादातर आप ऊपर वाला यूज करते हैं क्योंकि आप किसी पिक्चर का कलर नहीं करते हैं ऐसा नहीं, हाँ अपन हमेशा किसी पिक्चर को नॉर्मल वाइट ही करते हैं जिससे उसका कलर फेयर हो जाए। आप जब डॉट टूल यूज करते हैं इससे पिक्चर का कलर यहाँ पे फेयर हो जाता है, अगर आपको किसी पिक्चर का कलर फेयर करना है। इससे बाद वाला रहता है बर्न टूल, इस क्या बोलते हैं आप, इसके बाद वाला रहता है बर्न टूल, इससे पिक्चर का कलर नॉर्मल ब्लैक हो जाता है, और इसके बाद ही आपका एड टूल रहता है स्पन टूल, इसका आप यूज करते हैं पिक्चर का कलर आपको ब्लैक एंड व्हाइट दोनों रखना है, मतलब न ज्यादा ब्लैक करना है न ज्यादा आपको व्हाइट रखना है, तब आप यहाँ से इस वाले टूल से यूज कर लेते हैं, इससे पिक्चर का कलर इस टाइप से यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट दोनों हो जाता है, न पूरे तरीके से ब्लैक होता है न पूरे तरीके से व्हाइट होगा, ब्लैक एंड व्हाइट दोनों में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन इसका अगर आप ज्यादा यूज करते हैं तो पिक्चर आपकी जैसे कोयला टाइप का नहीं हो जाता, उस टाइप की हो जाती है, इसलिए आप उसका यूज नॉर्मल कम में करते हैं, लेकिन ये वाले जो टूल रहते हैं इसको आप जिस भी टाइप से अप्लाई करना चाहते हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इतने टूल्स आपके कंप्लीट हो गए, इतने में कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। क्या ये वाले, ये पूरे रिपीट करना है ऐसा बोल रहे हैं? इसमें फर्स्ट टूल रहता है आपका यहाँ पे क्लोन स्टैम्प टूल, आप इसे सिलेक्ट करते हैं, आप यहाँ पे कोई भी पिक्चर ले लेंगे, जैसे आपने इस पिक्चर से यहाँ पे ओपन किया, अब आप इसमें यहाँ पे क्लोन स्टैम्प टूल सिलेक्ट करेंगे, फिर आप अल्ट के साथ इस पिक्चर पे क्लिक करना, तो यही पिक्चर अगर आप इस पेज पे बनाना चाहते हैं ये पिक्चर आपकी इस पेज पे इस टाइप से बन जाएगी। कोई भी पिक्चर आपको मूव करके नहीं ले जाना, लेयर में पेज पे नहीं ले जाना, तब आप यहाँ से इस वाले टूल का यूज करते हैं। अब आप देखिए फिर से बनाएंगे तो ये इमेज फिर से यहाँ पे नहीं बन रही, सब बने जब आप वापस अल्ट के साथ इस पे क्लिक करेंगे तब आपकी इमेज वापस यहाँ पे बन जाएगी। अब आप देखते हैं जब आप नॉर्मल इस पे राइट क्लिक करते हैं, अभी यहाँ से मूव टूल से या क्रॉप टूल से आप इस पे राइट क्लिक करते हैं, तो आपको अभी ऑप्शन क्या दे रहा है, सिलेक्ट टूल था, नॉर्मल वैसे आपको ऑप्शन देता था यहाँ पे डिफ लेयर का ऑप्शन हाईलाइट होता था, यहाँ आप मूव टूल सिलेक्ट करते